बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। बोले शंकर भगवान की जय। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में षष्ठी के दिन हल षष्ठी व्रत का विधान है। हल षष्ठी दो कारणों से मनाई जाती है। पहला कारण, इसी दिन श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलदाऊ जी, उनका जन्म हुआ था। इन्हें बलराम जी बोलते हैं। और इसी दिन माताएं अपने पुत्रों की उच्च आयु और सुखी जीवन के लिए व्रत का धारण करती हैं और भगवान शिव का पूजन करती हैं। इस प्रकार से यह हल षष्ठी का व्रत दो भागों में विभाजित है। बलदाऊ जी का जन्मदिन होने से आज किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन बलदाऊ जी जिस हल को धारण करते थे उस हल का पूजन किया जाता है। उस काल में, प्राचीन काल में, हल का बहुत महत्व था। कृषि में हल का हर जगह प्रयोग होता था। बिना हल के कृषि का उपार्जन लेना संभव नहीं था। वर्तमान काल में भी हल के कई स्वरूप हैं। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के जो कृषि यंत्र हैं वो हल के ही स्वरूप हैं। इसलिए आज के दिन सभी किसानों को कृषि यंत्रों की पूजा करना चाहिए। कृषि यंत्रों में जैसे उनका थ्रेसर है, बोनी बीज बोनी वाला यंत्र है, और भी कई प्रकार के यंत्र हैं जो आजकल किसानों के पास उपलब्ध हैं। उन सब का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए और भगवान बलराम से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी दया से और इन यंत्रों की सहायता से हमारी कृषि की उपज अच्छी हो। इसके पश्चात हल षष्ठी व्रत जो माताएं अपनी संतान के सुख के लिए, संतान की दीर्घ आयु के लिए करती हैं, उनका वृत्तांत कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त हैं, अत्यंत दुखी हैं, तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है। अतः हे प्रभु, आप ऐसा कोई व्रत, दान अथवा उपाय बताएं जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी न हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। यह सुनकर के भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बताता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं होती। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उसके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर नगरी बसाई। राजा पुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह यानी मगर उसे जल में खींच ले गया। यह सुनकर के रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदनंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। यह धात्री भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिवजी, पार्वती जी तथा
तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन और ध्यान करने से वह तृण धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले कि हे दुष्टर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अगवानी करके और अर्ध आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, इस धात्री ने वन में जाकर के नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी का, स्वामी कार्तिकेय जी का, पार्वती जी का एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा के सहित किया है, नियम पूर्वक व्रत किया है। यह उस व्रत का ही प्रभाव है कि जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित ही मिल गया है। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। श्री कृष्ण की आज्ञा से राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों को साथ लेकर उस धात्री के निवास स्थान वन को चले गए। वहां राजा तथा रानी धात्री पुत्र ने उस धात्री को भगवान शिव का कुश पलाश या ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म को सविस्तार बता दिया। उसने कहा कि हे राजन, जिस दिन आपके भय से त्रस्त मैं वहां आई, मैंने केवल वायु को ही भोजन करते हुए भगवान शिव, भगवान कार्तिकेय एवं पार्वती एवं श्री गणेश जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा और भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इसी व्रत को विधिपूर्वक पूजन करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी जीव की भी हिंसा न करे। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन न करे तथा दोपहर के समय मित्रों सहित पलाश तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्तिभाव से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे स्वामी मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकाय आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव जी को मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। शिव हर क्रांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रौंच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय जी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। फिर एक दंत श्री गणेश जी की प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मूसक वाहन लंबोदर आपको साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार चारों देवताओं की भली भांति पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे के साथ अपने घर को आवे। उस दिन हल्का जुता हुआ नहीं खाना चाहिए। उस दिन समा के चावल का ही भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा अन्य पदार्थ जो हल से पैदा नहीं होते हैं उनमें पसाई के चावल हैं, दही है, दूध है, घी,
तथा मट्ठा विशेष रूप से खाए। इसके अलावा भैंस का ही दूध का प्रयोग करें और फलों का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो फल हल द्वारा पैदा नहीं होते वह भी खाने योग्य होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर के सुखी होता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर के राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजा पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। ग्राह मतलब मगर के गले से निकल करके और बाहर आ गया। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव भी दूर हो गए। राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे दुष्टर, यदि उत्तरा भी यह व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत हो गए। अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। अब इस व्रत का महत्व बताते हैं कि इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है, यानी कि वंश बढ़ता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसका शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन में विभिन्न प्रकार के दान देने चाहिए और वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करना चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा था तथा वही गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा शिवलोक में उसकी पूजा होती है। इस प्रकार है बंधुओं, आपको हलषष्ठी व्रत का पौराणिक इतिहास और कारण कहा। अब आपसे निवेदन है कि कृपया जिन्होंने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे हम व्रत त्यौहार और अन्य जो जो भी वीडियो अपलोड करते रहें उनको आप देख सकें। धन्यवाद।